दोस्तों, वेस्टइंडीज को उसी की धरती में रौंद कर भारतीय टीम का अब अगला मिशन जिम्बाब्वे है, जहां पर टीम की बी टीम धवन और हार्दिक पांड्या की अगुवाई में जिम्बाब्वे को उसी के घर में रौंदने के लिए पहुंच चुकी है। दोस्तों, क्या है भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे का पूरा प्रोग्राम, कब खेला जाएगा पहला मैच और भारत की बी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी जिम्बाब्वे दौरे पर पहला वनडे खेलेंगे, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं हार्दिक पांड्या और धवन में कौन T20 का बेस्ट कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा अब खत्म हो चुका है। टीम इंडिया के कप्तान धवन की अगुवाई में पहले वनडे सीरीज में कैरेबियाई टीम को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद भारत के स्टार कप्तान रोहित शर्मा ने T20 सीरीज में तो वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह से कुचल कर ही रख दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज शानदार अंदाज में खत्म हुई। 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से भारत के नाम रही। वहीं इसके आखिरी मैच में एक ऐसा इतिहास बना जो T20 की इंटरनेशनल पिच पर पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ये कमाल किया है भारतीय स्पिनर्स ने, उन तीन फिरकी के फनकारों ने मिलकर, जिनमें से हर किसी को अपनी अलग ताकत है। एक लेग स्पिन में माहिर, दूसरा चाइना मैन तो तीसरा विकेट टू विकेट में यकीन रखता है। हम बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की। फ्लोरिडा की पिच पर इन तीनों ने वेस्टइंडीज को बताया कि 10 का दम क्या होता है। 5वीं और आखिरी T20 में भारतीय टीम अपने पूरे बेंच स्ट्रेंथ के साथ उतरी थी, फिर भी उसने वेस्टइंडीज की फुल स्ट्रेंथ टीम को नाकों चने चबवा दिए। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 15.4 ओवरों में ही 100 रन पर लुढ़क गई। वेस्टइंडीज की इस पतली हालत की बड़ी वजह भारतीय स्पिन की तिगड़ी बनी। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इनिंग में सभी 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए हो। खैर, अब भारतीय टीम अपनी अगले मिशन पर जुट चुकी है। टीम इंडिया धवन और हार्दिक की अगुवाई में जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारी भारतीय टीम 6 साल बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। इससे पहले साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। वही दोस्तों, इस दौरे पर टीम इंडिया मेजबान जिम्बाब्वे के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, वही 20 अगस्त को दूसरा, जबकि 22 अगस्त को तीसरा मैच खेला जाएगा। वही भारत और जिम्बाब्वे सीरीज के सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। दोस्तों, ये मैच भारतीय समय के अनुसार 12:45 बजे शुरू होगा, जो देर रात तक चलेंगे। वनडे मैच करीब 8 घंटे चलता है, ऐसे में ये मैच करीब 8:30 से 9 बजे तक चल सकते हैं। वही मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस सीरीज को लाइव दिखाने के लिए राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। सोनी के खेल चैनल पर आप इन्हें लाइव देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इसे देखा जा सकता है। वही बात करें प्लेइंग 11 की तो शिखर धवन, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, ईशान किशन, संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी पहले मैच में बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। वही गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर जिम्बाब्वे को रोकेंगे।